बुरा समाचार बा। अरे नीति से कही दी अब की बारी तोहार बा। हो नीतीश से कही दी अब की बारी तोहार। दिल्ली के चुनाव और झारखंड के चुनाव के लिए सीए ले आए, कहां से लाओगे सीए मुझे बताओ आप, कहां से कैसे होगा हमको जन जानकारी। ये बर्थ सर्टिफिकेट कब बना? 69 में कानून आया बर्थ सर्टिफिकेट का और 81 में बर्थ सर्टिफिकेट मिला। पप्पू यादव का बेटा पप्पू यादव और पप्पू यादव के बाप का बर्थ सर्टिफिकेट है बन गया 69 के बाद 81 के कानून से। लेकिन पप्पू यादव का दादा कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाए? वो तो अपन माए से पूछते गे माए कहिया जन्म ली हो रहे। माए कहते रे बेटा बाबू से पूछ ले छियो, बाप से पूछ के कहते रे बेटा कार्तिक या फागुन रहो अनहरिया रात रहे शनिचर दिन रहे पानी टिपी टिपी पड़े रहे तीन डोरिया माथा पर है तू जन्म गेल रही। अब वो कहां से देगा बर्थ सर्टिफिकेट, वो कहां से कागज लाएगा मेरा आप बताइए, आप कहां से लाएगा वो? हमारा दादा परदादा क्या करेगा? आप पूछ रहे उसको मनुवादी पहले नाम क्या रखता था? मनुवादी ने गरीबों का नाम अपना नाम रखता था आचार शंकराचार्य, आचार द्रोणाचार्य, आचार्य कृपाचार्य। पप्पू सिंह का बाप का नाम रखता था मनुवादी जंग बहादुर, बेटा का नाम बम बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर। और पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू नुनिया, पप्पू मला, पप्पू बीन, पप्पू केवट, पप्पू ऋषिदेव, पप्पू चंद्रवंशी के बेटा का नाम हगना फेकना मुतना चोलुआ सनिचरा धोटवा धोराय ऋषि रे हगना फकना का दगल रे। पप्पू यादव के बेटी का नाम चांद सितारा और पप्पू पासवान के बेटी का नाम नुथनी सुथनी कुथनी मुथनी पबिया सबिया। अब जिस पासवान टोली में जाइए जिस ऋषिदेव टोली में जाइए चार ठो नाम हगना बुंदेगा रे हगना रे फेकना। ये लोग हो गया जंग बहादुर बम बहादुर और हम लोग हो गए हगना फेकना मुतना नुथनी सुथनी कुथनी। अब ये कागज कहां से लाएगा नुथनी सुथनी कुथनी ये हगना फेकना? हमेशा लड़ाई हमेशा लड़ाई, नफरत को रोको रोकना पड़ेगा। लड़ाई आर पार की है, हम बैठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते। लड़ाई साफ है, लड़ाई मेरी जोगी से हम गए थे, किसी ने हिम्मत नहीं की। हमने जोगी को कहा यदि जिस मैदान में झंडा गाड़ना हो तू गार, तूने 28 बच्चों को गोली मारा है ना, माथे में मारा गोली 28 बच्चों को और सीने में मारा गोली, किसी भारत के नेता ने नहीं बोला। जेएनयू में हमला हुआ अकेला पप्पू यादव पहुंचे, बोला पप्पू यादव आएगा तो पप्पू यादव को हम मार देंगे। हम पहुंचे 3 घंटा हम बैठे रहे, हम बोले हिम्मत है तू मार मुझको, तुम बच्चों पर मारते हो। जब हम एमयू जा रहे थे जब 28 बच्चों को गोली मारी गई तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया। 14 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके सिपाही के ड्रेस में आरएसएस ने मार दिया, कोई बोलने वाला नहीं हुआ। मदरसे में ढूंढ के 22 बच्चों को सिपाही के ड्रेस में आरएसएस के लोगों ने बच्चों का बलात्कार किया, 2 मौलवी का बलात्कार किया, सिर्फ 1 अखबार छापा, अकेला पप्पू यादव चिल्लाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जोगी को समझा, मैं बहुत गंभीरता से बोलना चाहूंगा, समझा, कहता है मुसलमानों को कम्बल में ढुका दिया। अरे शशि यादव जी, रामकुमार यादव जी और यहां जो यादव जी लोग हैं सुन लीजिए, 15 करोड़ लोग घुमंतू जाति हैं जिसमें मुसलमान भी है, बस कागज नहीं है। जिस दिन एनपीआर लागू हुआ बाय द वे उस दिन 20 करोड़ तो गड़िया ने 14 करोड़ बोला है पिछले निकलेंगे, मैं कह रहा हूं 20 करोड़। अब मुसलमान को ये कहता है कि तुम जो एनपीआर में नहीं आओगे तो तुमको मैं डिटेंशन सेंटर में डालूंगा। ये डिटेंशन सेंटर क्या है पहले पत्रकार जी समझिए, दुनिया में डिटेंशन सेंटर इसलिए बनी थी कि जिस देश का कभी कोई आदमी किसी देश में जाता है यदि वो कुछ गलत काम में या किसी पासपोर्ट के तहत फंस जाता है तो मेरा देश उसको सम्मान के साथ वहां रखेगा,
खाना देगा और उस देश से कहेगा कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपने आदमी को यहां से ले जाए। डिटेंशन सेंटर का मतलब यातना नहीं है। अब यह कहता है मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और पप्पू यादव, पप्पू निषाद, पप्पू मला, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू राम, पप्पू पासवान, पप्पू ऋषिदेव जो एनपीआर में आएगा उसको मैं आरक्षण छीन लूंगा, उसको मैं डिटेंशन सेंटर में नहीं डालूंगा, उसको मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, वोटिंग राइट उसका नहीं मिलेगा, लॉ है लॉ, वोट देने का राइट नहीं मिलेगा और भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, भारत में रोजगार नहीं मिलेगा उसको, वो सिर्फ रह सकता है अपने भारत, उसको कोई वोटिंग राइट सब्सिडी नहीं होगा। थोड़ा निकलिए बिहारीपन से, पूरी दुनिया आज खड़ी है। सर आप मत घबराइए, जब तक पप्पू यादव जिंदा है ना, नीतीश कुमार पीठ में खंजर भोंके हो, हिम्मत और औकात है ना, तो बिहारी सीना में खंजर भोंकता है, मुंह में राम बगल में छुरी मत कर। तूने तो कानून भी बनाया और गजट भी पास कर दिया, एनपीआर का तुम शुरू करो, या तो पप्पू रहेगा या तो नीतीश तुम रहेगा, दो ही बात। तुम अमित शाह के कहने पर चलोगे? तुम तो कह रहा था दिल्ली को बिहार बना देंगे, बना तो दिया कारीगरों से, बना तो दिया थ्रीनर से। नीतीश औकात मत पैदा कर, 28वें नंबर पर बिहार, दिल्ली को बिहार बना रहा था, कत्ते का बिहार, हर दिन दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध, हेल्थ और एजुकेशन सबसे निचले पोदान पे बिहार बनाता है। लड़ाई साफ है, कुछ नहीं है, ये बकवास चीजें हैं। जब तक शाहीन बाग की पप्पू यादव की मां झांसी की रानी और पप्पू यादव की बेटी रजिया सुल्तान, अरे जोगी औकात है ना, मेरी मां झांसी की रानी और बेटी से लड़के देख, तब बाप से लड़ने की औकात पैदा कर रहा। तुम तो नफरत पैदा करते हो, नफरत कर। और जब तक शाहीन बाग की आवाज और जामिया के बच्चे मरने की तैयारी करे, तब तक कुर्बानी देने का मत भूलना, इतिहास माफ नहीं करेगा, भूल जाओ। ये नेता लोग, उसे मैंने कहा, अरे लालू और मुलायम सिंह 20 साल दलित और मुसलमानों का वोट लिया, और आज जब ये सवाल हिंदुस्तान में दलित और कमजोरों पर आया तो तुम लोग भील में ढूंक गए, जिंदा रहने आए थे, निकालिए। आप लोग जाटों को कहिए इनके साथ बैठे, ये इतिहास है, घर में ना बैठे। जब आरक्षण और पिछड़ों की बात होती है, यही दलित, यही गरीब और यही मुसलमान साथ में खड़े होके लड़ता है। जाइए, जाके कहिए, कोई कागज नहीं ना छा तुम्हारे पास? अरे कागज उगज नहीं ना छा की भले त्याग लो की भरा कागज, बचे तो मांगता तो नहीं ना, नहीं देंगे। जोर से बोला, मुंह में ठोसा लेते, दस्खत कर में ले जेता जे, नहीं देंगे। जेता तो आराम से खिलाई है, खिचड़ी बिरयानी जे जकड़ा रहता, जा लग तो 500 टका दे दियो। ये इधर आइए, ये सीओ है, सीओ आएगा मेरे पास, हमसे पूछेगा पप्पू यादव आपका नाम, मास्टर आएगा पूछेगा आपका बाप का नाम चन्नारायण, दादा का नाम लक्ष्मी, पर दादा का नाम बादर, दो एकर हटा देगा और आगे में लिख देगा डी, डी का मतलब हुआ डाउट। अब हम जाएंगे सीओ के पास, सर डी कहा कर दिए हैं, ओह जाइए सर डी हटा दीजिए, 5000 ले आइए, 5000 देंगे, पप्पू यादव नागरिकता लेगा। सर आप यादव हैं ना, कोई दूसरा जात यहाँ सीओ आएगा, आपके जात से नफरत करता है, आपके आगे डी लिखते चला जाए, नागरिकता इसके लिए नहीं है सर, हमारी भी तो है। तुमने 11 क्लोजर क्यों लगाया? टेलीफोन नंबर, पासपोर्ट, आधार कार्ड पर हम लोग वोट दिए ना नरेंद्र मोदी को, तो जब आधार कार्ड का वैल्यू नहीं तो मोदी का वैल्यू कहेगा? नहीं होना चाहिए। जब आधार कार्ड पर हमसे वोट लिया तू, और तू कह रहा आधार कार्ड का वैल्यू नहीं, तो मोदी तेरा भी वैल्यू नहीं ना वैल्यू नहीं, प्रधानमंत्री छोड़,
इसीलिए लड़ाई मत लड़ी, चिंता मत करिए। वो जोगी जी हम बोला तानी, जोगी जी हम बोला तानी, बुरा समाचार बा, जोगी जी हम बोला तानी, बुरा समाचार बा, अरे नीतीश से कही दी अब की बारी तोहार बा, नीतीश से कही दी अब की बारी तोहार बा। ये जो दिल्ली था ना, हमने कहा लखनऊ से बोला तनी बुरा समाचार बा, अरे मोदी से कही दी जोगी बीमार बा, अरे जोगी हम बोला तनी बुरा समाचार है, नीतीश से कही दी अब की बारी तो हार बा, इसलिए नफरत हारा मोहब्बत जीता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।